इजरायली पुलिस ने हफ्ते के रोज कहा कि उन्होंने 6 फलस्तीनियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है जो इसी हफ्ते इजरायल की महफूज तरीन जेल से फरार हो गए थे। इसमें एक मशहूर अस्करियत पसंद रहनुमा भी शामिल है। इन गिरफ्तारियों ने इसराइल को एक शर्मनाक मामले को बंद करने का मौका दिया जिसने जेल के निजाम में गहरी खामियों को बेनकाब किया और मफरूर कैदियों को फलस्तीनी हीरो बना दिया। जुमा की शाम गजा पट्टी में फलस्तीनी अस्करियत पसंदों ने यकजहती का मुजाहरा करते हुए इसराइल को निशाना बनाते हुए रॉकेट दागे जिसके जवाब में इसराइल ने फजाई हमले भी किए। इजरायली पुलिस ने शुमाली इसराइल से 4 मफरूद अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2 मुख्तलिफ मकामा से 2-2 मफरूद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सनीचर की सुबह पुलिस ने बताया कि उन्होंने जकरिया जुबैदी समेत 2 अफराद को अरब टाउन के उम्मुल गनम से गिरफ्तार किया। जुबैदी 2000 की दहाई के अवाइल से फलस्तीनी अस्करियत पसंद रहनुमा रहे हैं। पुलिस की जानिब से जारी की गई वीडियो में जुबैदी को दिखाया गया जिन्हें हथकड़ी लगाई गई है और सर पर सफेद बैंड बना हुआ है। इस दौरान 2 पुलिस अफसरान भी साथ दिखाई दे रहे हैं। एक बयान में पुलिस ने कहा कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस बशमूल फौज मफरूरों को पकड़ने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। इसराइली जेल से पीर के रोज सुरंग के सारे 6 फलस्तीनी फरार हो गए थे जिसके बाद इसराइली अफवाज ने शुमाली इसराइल और मकबूजा मगरबी किनारे में बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की थी जबकि गजा पट्टी में फलस्तीनी बाशिंदों में मिठाइयां तकसीम कर अपनी खुशी का इजहार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी भारत।